हाथरस के सिकंदरा राव में प्राइवेट बस संचालकों द्वारा बसों में रोडवेज बसों की तरह रंग कराकर धड़ल्ले से दौड़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्राइवेट बस चालक रोडवेज बसों की तरह ही यात्रियों को टिकट काट के भी दे रहे हैं। एक बार तो आप भी इन बसों को देखकर हैरत में पड़ जाएंगे कि यह सरकारी रोडवेज बस है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन बसों को बड़ी ही चालाकी से रंग कराकर ऐसा बनाया गया है। आपको बता दें कि सिकंदरा राव में डग्गामार प्राइवेट बसों में रोडवेज जैसा रंग कराकर सवारियों के साथ साथ धोखा किया जा रहा है। दिल्ली यूपी के आनंद विहार बस स्टैंड से सवारियों को लेकर आ रही प्राइवेट रोडवेज संचालकों की मनमानी के आगे जिम्मेदार नतमस्तक नजर आ रहे हैं। जब दिल्ली से आए हुए दो यात्रियों से इसको लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि हम दिल्ली से आ रहे हैं, यह एक प्राइवेट बस है जिसने हमको एक प्राइवेट सादा पर्ची बनाकर टिकट के रूप में दी है। बड़ा सवाल यह है कि यह बसें धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रही हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इन पर कार्यवाही करना नहीं चाहता। पिताजी का नाम क्या है? गणपत। कहाँ के रहने वाले हैं? नवाबगंज सराय। इस बस से आप बैठकर आए, कहाँ से आए हैं? आनंद विहार से। इसने आपको कौन सी टिकट दी है बस वाले ने? ये प्राइवेट है, लोकल टिकट है। क्या आपने इससे पूछा नहीं कि लोकल टिकट क्यों दे रहा है? नहीं। क्यों नहीं पूछा? सबसे ही ले रहा था इतने ही। ये सरकारी प्राइवेट है? प्राइवेट है ये। अगर रास्ते में तुम्हारे साथ हादसा होता तो उसका कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो हम ही खुद होंगे। हाथरस 24 सत्य की राह पर डिजिटल न्यूज़ चैनल।